धर्म की चर्चा हो रही है। पहला प्रश्न होगा कि धर्म क्या है। इसका उत्तर आचार्य भिक्षुक के शब्दों में त्याग धर्म है, भोग अधर्म है, त्याग धर्म है, त्याग कर लेना। इतनी बात ठीक है, पर हमें उससे भी आगे जाना है। हमारे पास दो प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। देखने वाली इंद्रिय आंख है ज्ञानेन्द्रिय, सुनने वाले कान है ज्ञानेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जो हमारे नाक गंध को ग्रहण करने वाली जानने वाली, रसना जीभ जो स्वाद को जानने वाली, और स्पर्शन जो स्पर्श का अनुभव करने वाली, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जिनसे हम काम करते हैं। तंत्र शास्त्र में या अन्य ग्रंथों में भी पांच कर्मेंद्रियां बतलाई गई। त्याग के बारे में जब चिंतन करें तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बारे में चिंतन करना जरूरी है। हमने मौन कर लिया, ये कर्मेंद्रिय का संयम हो गया। वचन हमारी कर्मेंद्रिय, उसका संयम हो गया, मौन कर लिया। किंतु बोलने की भावना तो बराबर बनी रही, मौन है पर सामने कोई भी प्रसंग आया तो बोलने की इच्छा होती है। और मन में कभी कभी ऐसा सोच भी लेता होगा आदमी, क्या करूं, बोल नहीं सकता, मौन ले लिया, बोल नहीं सकता, यह भी भावना आ जाती है। इसे गीता में मिथ्याचार कहा गया है, एक सम्यक आचार और एक मिथ्या आचार। बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है कि कर्मेंद्रियाणि सम्यक संयम में इंद्रियार्थान मनसा स्मरी। कर्मेंद्रियों का तो संयम कर लिया और मन से इंद्रिय के विषयों का स्मरण हो रहा है, उपवास तो पचक लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, आज मैं नहीं खाऊंगा, पर दिन के समय में पता नहीं कब कब बस ध्यान, कल पारने में क्या खाना है, कल क्या क्या बनाना है। शायद दिन में नहीं आता है तो पश्चिम रात्रि में तो जरूर विकल्प आ जाता होगा, आज पारने में क्या क्या रसोई बनानी है। इंद्रियार्थान स्मरण छोड़ तो दिया पर वह इंद्रियों का विषय अभी नहीं छूट रहा है, उनकी स्मृति बराबर हो रही है। सबसे जटिल बात है कि आदमी त्याग कर लेता है, बहुत जल्दी करता है। एक व्यक्ति हमारे सामने आया कि हमें यह त्याग करा दो। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कराया मैंने,
दूसरों को अटपटा लगा होगा कि अगला तो त्याग लेना चाहता है, त्याग नहीं कराए जा रहे हैं। त्याग करने वाले में भी विवेक होना चाहिए और त्याग कराने वाले में भी विवेक होना चाहिए। त्याग को एक मखौल नहीं बनाना चाहिए कि जिससे आज तो त्याग लिया और कल बस सारा हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि त्याग तो लिया पर पहले से ज्यादा उस विषय की स्मृति होने लग गई। त्याग का एक विवेक होता है। एक व्यक्ति मुनि जी के पास आया और मुनि जी ने उपदेश दिया कि महीने के 30 दिन और 30 दिन एक एक उपवास होता है, उपवास की बारी चलती है, तुम भी अपना नाम लिखा दो। कहा और हां लिख लो मेरा नाम, चिंतन नहीं किया, लिख लो। नाम लिखा दिया। अब जब बारी का दिन आया कि आज पंचमी है और आज तुम्हारी बारी है, तुम्हें उपवास करना है। अल्लाह महाराज कठिन है आज तो मेरे लिए, उपवास होना बहुत कठिन है। कि तुमने नाम लिखाया, कि लिखा तो दिया पर होना बड़ा मुश्किल है। क्यों लिखाया? कि लिखा दिया भावावेश में, कभी तुम करो या दूसरे से कराओ नहीं तो बारी टूट जाएगी। ने कहा कि मैं सोचूंगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो दूसरे से कराओ, तो मैं चिंतन करूंगा और आपको फिर बता दूंगा। चला गया। दूसरे दिन आया और मुनि जी ने पूछ लिया कि तुमने उपवास कर लिया? तो मैंने तो नहीं किया, पर आपकी बारी नहीं छूटी, आपने कहा था कर लो या करा देना, मैंने करा दिया। तो फिर मुनि जी ने पूछा किससे कराया? तो इसको आपको क्या लेना देना है, किसी से करा दिया। अरे नाम बता दो तो हमारे भी काम आ जाए, एक नाम बारी में और जुड़ जाए, तुम नाम बता दो। बहुत आग्रह किया, नाम नहीं बताया। आखिर काफी दबाव दिया, तब बोला महाराज सही बात सुनना चाहते हो? कहा कि कल मैंने अपनी भैंस को उपवास करा दिया, तो भी और उपवास, न खाना डाला न पानी पिलाया, एकदम चौबिहार उपवास हो गए। इसलिए तात्कालिकता में त्याग करना भी बहुत कठिन बात है, चिंतन की बात है। विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने को तोल कर जो त्याग लिया जाता है उसमें तो फिर भी होता है, और त्याग लेने पर भी समस्या है। तो गुटखा खा रहा है, गुटखा छोड़ दिया, अब छोड़ तो दिया, खा नहीं सकता, पर मन में बराबर गुटखा बना रहता है। गुरु के पास आया ध्यान करने के लिए, गुरु ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक घंटा ध्यान करना है, तुम बैठ जाओ। बैठ गया। बैठते बैठते गुरु ने कहा देखो ध्यान रखना कि ध्यान में बंदर को याद मत करना। एक घंटा पूरा हुआ, उठा और बोलो कैसा हुआ ध्यान, कि क्या ध्यान हुआ, क्या देखा? कि बंदर ही बंदर देखा। अरे मैंने मनाही की थी तो वही तो समस्या होगी मेरी, आप नहीं कहते तो पता नहीं बंदर याद ही नहीं आता। आपने कह दिया बंदर को मत देखना, तो मुझे तो पूरे घंटा में बंदर ही बंदर दिखाई दिया और कुछ सामने नहीं आया। त्याग की अनेक समस्याएं हैं, संयम सरल नहीं है, उसकी अनेक समस्याएं होती है। उन समस्याओं पर विचार करें कि त्याग के लिए पहले कितनी साधना हमें करनी चाहिए। बीज बोए किसान और भूमि को उर्वरा न बनाए तो खेती नहीं हो सकती। सीधा ही बीज की बुआई नहीं करता, पहले भूमि को उर्वरा बनाता है, सफाई करता है और काफी श्रम करता है, फिर बाद में बीज की बुआई होती है। तो त्याग के लिए भी बहुत जरूरी है हम एक मानसिक भूमि को उर्वरा बनाए, पृष्ठभूमि तैयार करें और फिर किसी को छोड़ने का प्रयत्न करें। तो एक सुंदर बात कही गई कि कर्मेंद्रियों का तो संयम कर लिया, किंतु मन में उनकी स्मृति बराबर होती रहती है। इंद्रियार्थान
वह देखता रहता है, याद करता रहता है, उसका आचार मिथ्या आचार हो जाता है। दो शब्द हमारे सामने, एक छोटा सा थोकड़ा है 25 बोल, उसमें आता है इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विकार। विषय तो 5 है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, विकार कितने हैं? 240। इतने विकार है। विषय तो छूट जाता है, विकार नहीं छूटता। मैं हरी वस्तु नहीं खाऊंगा, आम नहीं खाऊंगा, त्याग ले लिया, किंतु जब मौसम आता है, दूसरे लोग खाते हैं, तब मन ललचाता है कि क्या करूं, त्याग ले लिया। कुछ लोग आए कि हमने अनसमझ में त्याग ले लिए थे, समझे बिना त्याग ले लिए थे, अब क्या करें। हमने कहा हम क्या कर सकते हैं इसका, अगर तुम्हारा मनोबल है तो त्याग का पालन करो, अब मनोबल नहीं है तो फिर तुम अपनी बात जानो, हम क्या करेंगे इस बात का। विषय और विकार, विषय का तो त्याग कर देते, त्याग कर दिया कि मैं अमुक चीज नहीं सुनूंगा, गाना नहीं सुनूंगा, वह नहीं सुनूंगा, क्या कर दिया। अब जहां कहीं भी संगीत होता है, कुछ होता है, और दूर से ही शब्द आकर पड़ता है तो मन ललचाता है कि देखो सब लोग गए और मैं भी जाता तो कितना अच्छा रहता। क्या कर दिया, आम नहीं खाना है और सब लोग खाते हैं, तब सोचता है कि मैंने बिना समझे त्याग कर दिया, सब तो खा रहे हैं और मैं भी खाता तो कितना अच्छा होता। विषय ने को छोड़ दिया, किंतु विषय के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, जो विषय की स्मृति है, तो वह नहीं छूट रही है, उसका नाम है मिथ्याचार। मिथ्याचार हो गया एक प्रकार से। शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इनको छोड़ना विषय का परित्याग है। 5 इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय, और ज्ञानेन्द्रियों के विषय को छोड़ दिया, पर कर्मेंद्रिय के विषय को नहीं छोड़ा। काम लेना चाहता है, मन में बराबर वह स्मृति बनी रहती है। इसका अर्थ हो गया कि मानसिक त्याग नहीं हुआ। बहुत कठिन काम है। भगवान बुद्ध, राजकुमार, सारा वैभव जब छोड़ दिया, रात को घर से चले गए, फिर बहुत आग्रह किया राजधानी के लोगों ने, एक बार आप देखो, सामने आंख नहीं उठाई, देखा तक नहीं। ये कोई भीतर की एक प्रेरणा होती है कि व्यक्ति छोड़ देता है। कठिन बहुत है, साधना कठिन है, ऐसी साधना बहुत मुश्किल है कि विषय को छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्ति है जिन्होंने विषय का त्याग तो कर दिया, किंतु विषय के रस का त्याग या विषय के विकार का त्याग करने वाले, बहुत कठिन काम है, बड़ा जटिल काम होता है विषय का विकार का त्याग कर देना। यानी छोड़ दिया फिर वह मन में ही न आए, कितनी मुश्किल है। अमुक काम नहीं करूंगा, अमुक चीज नहीं खाऊंगा, अमुक चीज नहीं सुनूंगा, अमुक नहीं देखूंगा, एक ऐसी कोई अंतक प्रेरणा जागृत हो गई तो फिर उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता, तो विकार का त्याग हो गया। हमें भी चिंतन करना है, इस समस्या पर ध्यान देना है, तो बड़ी समस्या है हमारी साधना की समस्या। प्रारंभ में आदमी विषय का त्याग करता है,
एक साथ कोई पूरा त्याग नहीं हो जाता, विषय का त्याग करता है और वह भी बड़ा कठिन होता है, सबके लिए संभव नहीं होता। जब चित्त ने, मुनि चित्त ने ब्रह्मदत्त से कहा कि तुम अब सब विषयों को छोड़ो, राज्य को छोड़ो, सुख सुविधाओं को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, अंतःपुर को छोड़ो और तुम आओ मेरे साथ मुनि बन जाओ। काफी लंबा संवाद हुआ। संवाद के बाद चित्त बोला कि महाराज मैं क्यों छोड़ दूं? तब मुनि ने परिणाम बतलाए कि देखो इन भोगों का अंतिम परिणाम क्या होता है, काफी समझाया। जब परिणाम दर्शन कराया तब चित्त ब्रह्मदत्त बोला कि मुनिवर आप ठीक कह रहे, अहम पि जानामि जहे है साहू जंग में तुमम साहसी बक्कमेयम। जो आपने कहा मैं इस सच्चाई को जानता हूं, अंतिम परिणाम क्या होता है मैं जानता हूं, इस बात को अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होता, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु जंग दे दुर्जया अज्जो महारिषे ही, किंतु महाराज मुनिवर मैं आज इनको छोड़ नहीं सकता। तो मनुष्य की असक्यता की पहली भूमि है कि वह विषयों को छोड़ नहीं सकता। यह एक तो पहली भूमिका है। एक आदमी तो कहते साफ कहता है मैं छोड़ नहीं सकता, दूसरी भूमिका यह है कि छोड़ देता है किंतु मन से बात नहीं निकलती, मन से बात निकलती नहीं है। कल ही किसी ने हमारे सामने कहा कि अतीत को कैसे भुलाऊं, बड़ा प्रश्न रखा, समस्या रखी थी कि अतीत को भुला नहीं पा रहा, अतीत को कैसे भुलाऊं। जो बात स्मृति में आ गई बार बार वह बात याद आती है, उसको भुला नहीं पा रहा हूं। ऐसा होता है कि परस्पर दो में लड़ाई हो गई, ग्रंथिपात हो गया, अब उसको भुला ही नहीं पा रहा है, देखते ही वह बात फिर ताजा हो जाती है, भुला नहीं सकता। भुलाने की भी एक कला है, याद रखना एक कला है तो भुलाना भी एक कला है। बहुत लोग भुला नहीं पाते, तो त्याग तो कर दिया पर मन से बात नहीं निकल रही है। या तो किसी के दबाव में त्याग कर लिया, या समझाने पर एक बार भाव बना त्याग कर लिया पर मन से नहीं निकल रही। त्याग का भी एक अभ्यास होना चाहिए। एक किसी बात को छोड़ना है, पहले 10 दिन तक अभ्यास किया, उसका प्रयोग नहीं किया और देखा कि मैं सफल हो रहा हूं, फिर 1 महीने तक अभ्यास किया, फिर हो सकता 1 वर्ष तक अभ्यास किया और जब समझ लिया कि बस अब कोई कठिनाई नहीं है तो फिर प्रत्याख्यान कर दिया, बस छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, सामने नहीं देखूंगा। एक भूमिका होती है और एक अभ्यास के बिना त्याग हो जाता है। त्याग कर लिया, पहले अभ्यास नहीं किया तो थोड़ी भी समस्या आती है और छोड़ने को तैयार हो जाता है, आदमी छोड़ देता है। बहुत लोग ऐसे हैं धर्म को स्वीकार करते हैं और कोई काम नहीं सकता है तो छोड़ने को तैयार भी हो जाती, उसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला मैं छोड़ देता हूं, इसका मतलब उसने धर्म को समझा नहीं, अभ्यास नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। आज की तो धर्म की यही समस्या है कि स्वीकृत धर्म कम होता है। आचार्य तुलसी जब बंबई पधारे थे, विक्रम संवत 2011 का चतुर्मास बंबई में, उस समय एक प्रश्न आया था कि धार्मिक लोग अज्ञानी क्यों, जानते नहीं है धर्म के बारे में, नहीं जानते, धार्मिक तो है पर जानते नहीं है। इस बारे में काफी चिंतन मंथन के बाद जो एक निष्कर्ष निकला,
और वह यह आया कि दो प्रकार के धार्मिक लोग होते हैं, और एक तो जन्मना धार्मिक होता है, जिस कुल में जन्मा और वह धर्म उसका हो गया, जैन कुल में जन्मा जैन बन गया, तेरा पंथी के घर जन्मा तेरा पंथी, स्थानिक वासी के घर जन्मा स्थानिक वासी, मूर्ति पूजक के घर जन्मा तो मूर्ति पूजक, और दिगंबर के घर जन्मा तो दिगंबर। और बाहर आगे जाएं, आर्य समाज के घर जन्मा तो आर्य समाज, वैष्णव के घर जन्मा तो वैष्णव, इस्लाम में जन्मा मुसलमान के घर तो मुसलमान, और ईसाई के घर जन्मा तो ईसाई। ये जन्मना धर्म होता है, जन्मना धर्म, जिस कुल में जन्मा वह उसका धर्म हो गया। और एक होता है स्वीकृत धर्म, स्वीकृत धर्म जो आदमी स्वीकार करता है। सामने प्रसंग था कि बहुत सारे लोग हैं तत्व को नहीं जानते, और कुछ गुजराती बंधु हैं, भाई बहन भाई, वे धर्म को अच्छी तरह से गहराई से जानते हैं। इसका कारण क्या? तो आचार्य वर ने कहा, ये गुजराती लोग समझकर धर्म को स्वीकार करते हैं, जन्मना इनका धर्म नहीं है। और दूसरे लोग जन्मना धर्म को बस कुल में जन्मे हो गए, ये थोड़ा अंतर है। तो धर्म दो प्रकार का हो गया स्वीकृति की दृष्टि से, एक जन्मना प्राप्त और एक स्वीकृत। जब आदमी स्वीकृत करता है, समझ बूझ कर स्वीकार करता है, तो वह जन्मना नहीं होता, वह एक प्रकार से कर्मणा धर्म हो जाता है, कर्मणा। और जो व्यक्ति कुल परंपरा से स्वीकार करता है वह जन्मना हो गया। वास्तव में तो धर्म स्वीकृत होना चाहिए, जिस कुल में जन्मा मिल गया धर्म, फिर बाद में चिंतन होना चाहिए कि मुझे जो मिला है वह धर्म ठीक है या नहीं, अच्छा है या नहीं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, इन सब का समालोचन हो, तब तो धर्म का उदय होता है, धर्म का विकास होता है, और धर्म से लाभ होता है। जो परंपरा से मिल गया बच्चा जन्मार खाता खुल गया, आजकल कहते हैं धर्म हमारा स्वीकृत होना चाहिए। समझ बूझ कर इस कुल में जन्मा पर मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वह ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं उसको स्वीकार करेगा, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर जहां जन्मना होता है वह फिर सम्यक आचार होना कठिन हो जाता है, और स्वीकृत होता है तब उसे सम्यक आचार की दिशा में जाने का अवसर मिलता है। तो हमारा धर्म त्याग यह स्वीकृत होना चाहिए, मैंने त्याग को अपना बना लिया, समझ बूझ कर होना चाहिए, समझ बूझ कर। भगवान महावीर ने त्याग को बड़ा महत्व दिया, संयम को बड़ा महत्व दिया, व्रत को बहुत महत्व दिया, किंतु मिथ्या दृष्टि के आधार पर स्वीकृत धर्म को उन्होंने मिथ्या कोण बतला दिया, मिथ्याचार भी बतला दिया, क्योंकि पहले सम्यक दृष्टिकोण भी नहीं बना, तो उसका आचार सम्यक कैसे होगा? आचार तो बाद में होता है, पहले होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तब तीसरी कोटि में आता है सम्यक आचार। प्रथम सम्यक आचार नहीं होता। कितना सुंदर सूत्र है, हर व्यक्ति को जैन श्रावक को तो याद रहना ही चाहिए, और सबको याद रहना चाहिए, जो धार्मिक आदमी है चाहे जैन है अजैन है, सबको यह याद रहना चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसलिए हम त्याग की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करें, और ऐसी साधना करें जिससे कोरा विषय नहीं, विषय की आकांक्षा और विषय के विकार भी हमारे वर्जित हो जाएं। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। पवित्र